Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारतीय एयरटेल का गैर मोबाइल व्यवसाय जो भारत के टोटल रेवेन्यू का 10वें हिस्से से भी अधिक रेवेन्यू जनरेट करता है, यह खतरे में है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दो राष्ट्रीय केबल टीवी ऑपरेटरों में हिस्सेदारी हासिल की है, जो जियो के दूरसंचार रोल आउट को और बढ़ा सकता है। डेन नेटवर्क्स और हैथवे केबल की खरीदारी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को अल्ट्रा फास्ट फाइबर टू द होम सर्विस में हेडस्टार्ट देगी, जिसे कि भारतीय एयरटेल के नॉन मोबाइल बिजनेस यानी कि डीटीएच और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए एक बड़ा खतरा माना जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय एयरटेल होम ब्रॉडबैंड और डिजिटल टीवी कारोबार में भारतीय परिचालन आय का 17% उत्पन्न करती है। पिछले हफ्ते 5,230 करोड़ रुपए के सौदे में रिलायंस ने डेन नेटवर्क्स और हैथवे केबल में 66% और 51.3% हिस्सेदारी हासिल की। इस अधिग्रहण के बाद जियो गीगा फाइबर 24 मिलियन केबल घरों तक आसानी से अपनी पहुंच हासिल करेगा और भारत के 2.1 मिलियन फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी अपनी पहुंच करेगा, जिसमें से बहुत ही कम फाइबर कनेक्टिविटी है। 24 मिलियन केबल घरों में से 16 मिलियन सिर्फ 100 शहरों में है। एयरटेल के डीटीएच ब्रांच के लिए यह काफी मुश्किल होगा कि वह जियो के ब्रॉडबैंड और इंटरनेट टीवी सेवाओं के लिए जियो का मुकाबला करे, क्योंकि आने वाले समय में जियो काफी किफायती कीमत पर अपनी नई सर्विस जियो गीगा टीवी और जियो गीगा राउटर ग्राहकों को प्रदान करने वाली है। टाटा स्काई और अन्य डीटीएच ऑपरेटर्स को इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में टिके रहने के लिए जियो गीगा टीवी के मुकाबले सस्ते प्लान्स लॉन्च करने होंगे। बता दें कि जियो की होम ब्रॉडबैंड सेवा के लॉन्च से पहले एयरटेल ने अपनी ब्रॉडबैंड और डीटीएच सेवाओं की कीमतें कम कर दी हैं, जिस कारण उसका रेवेन्यू 14% तक घट चुका है। हालांकि सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारतीय एयरटेल ने जियो गीगा फाइबर के लॉन्च के बाद करीब 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किफायती दरों में अलग अलग शहरों में पहुंचाना है। विश्लेषकों का मानना है कि 24 मिलियन केबल घर और 225 मिलियन 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहकों के संयोजन तक पहुंच की वजह से रिलायंस जियो को ब्रॉडकास्टरों के साथ कंटेंट डील में अधिक सौदेबाजी की शक्ति देगा। मुकेश अंबानी ने जुलाई में जियो की गीगा फाइबर होम ब्रॉडबैंड सेवा को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत 1100 शहरों और 50 मिलियन घरों को लक्षित किया गया था। हालांकि अंबानी ने अभी इसकी मूल्य निर्धारण नहीं की है। जियो का कहना है कि सेवा की उपलब्धता उपभोक्ताओं की पंजीकरण पर निर्भर करेगा, जो कि 15 अगस्त से शुरू हुई है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।